एक कॉमन प्रॉब्लम जो पाई जाती है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कि पेशेंट्स को स्मेल आती है, उनको हर चीज से स्मेल आती है. एज अ रिजल्ट दे आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, क्योंकि उनको खाने से ही स्मेल आती है. एंड द सेकेंड थिंग इज उनका मुंह का टेस्ट भी मेटालिक हो जाता है, हर चीज कड़वी लगती है. डॉक्टर सुनीला हमें बताएंगी इन दोनों प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें. या सबसे पहले जब मुझे कोई व्हाट्सएप आता है कि मुझे स्मेल नहीं अच्छी आ रही या टेस्ट नहीं अच्छा आ रहा, सो द माय वन लाइन आंसर टू ऑल ऑफ देम इज कि सौंफ भूनिए और उसको एक डब्बी में रख लीजिए और उसको चबाते रहिए. इट इज वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो. एंड दिस आई हैव लाइक दिस वॉज एक्चुअली आई यूज टू गिव इट अर्लियर टू ऑल माई पेशेंट्स कि आप खाने के बाद आप सौंफ खा लीजिए, बट नाउ आई से कि आप पूरे दिन इसको थोड़ा थोड़ा चबाते रहेंगे तो उससे आपका टेस्ट जो है और स्मेल भी दोनों चीजों में काफी फर्क पड़ता है. ओके, सेकेंड थिंग इज कि आप इन हर्ब्स का जरूर इस्तेमाल करिए अपने कुकिंग में. पुदीना, जीरा, तुलसी, अजवैन, कड़ी पत्ता, ऑरिगैनो, लाइक बेसिल पाउडर, सिनेमन पाउडर, रोस्टेड गार्लिक, ये 8-10 चीजें क्या जब आप कॉम्बिनेशन डिफरेंट कुकिंग में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो इटसेल्फ जो जैसे दाल की स्मेल है, तो अगर आप उसमें कड़ी पत्ते का छौंक लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो स्मेल जो है उसको ओवरपावर कर जाती है. एंड यू हैव टू एक्चुअली गार्निश द फूड इन अ लिटिल मोर अपीलिंग मैनर सो दैट यू द एपेटाइट डजंट गो डाउन आफ्टर सीइंग द फूड. Another thing is कि I always tell my clients कि आप खाने के साथ एक अचार जरूर खाइए. So this is like a very contradictory thing. I am absolutely against market pickles, but you should do a homemade pickle. जैसे आमले का अचार, simple राई कड़ी पत्ते का छौंक लगा के, या हमारे घर का गाजर गोभी शलगम का अचार जो कि spicy नहीं हो, but it should be in that kind of a thing कि जब आप that is more palatable. एंड जैसे अदरक काट के आप लेमन जूस में डाल दीजिए. सो व्हेन अ पेशेंट हैज ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ पिकल्स, एक तो इससे विटामिन B12 बढ़ता है क्योंकि ये नेचुरल फर्मेंटेड है. एंड डो नॉट पुट टू मच ऑफ ऑयल ऑल्सो इन टू इट, मेक इट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ताकि इनकी शेल्फ लाइफ कम ही रहे. सो इससे क्या होता है कि द फूड बिकम्स मोर पैलेटेबल एंड वो टेस्ट और स्मेल दोनों का जो लेवल है पेशेंट का वो थोड़ा कम हो जाता है. कोकोनट का पीस भी बीच बीच में लेने से टेस्ट एंड स्मेल इम्प्रूव्स. ओके, जैसे हम मोस्टली पेशेंट्स ये कहते हैं जैसे स्पाइसी चीज खानी है, सो आई स्ट्रेस ऑन मोर ऑन इमली की चटनी या धनिया की चटनी विद द फूड. एंड अगेन putting up imli in your vegetables while cooking or putting kokum in dal while cooking, un sab se unka jo fragrance hai, aroma of food jo hota hai wo badal jata hai. So that is simple ways what you can do while baking the food, while cooking itself, jisse ki aapki ye problem jo hai wo kafi had tak kam ho jati hai. Thank you Dr. Sunila.